बिहार में नीतीश सरकार ने जहरीली शराब मामले पर अब यू टर्न ले लिया है। बिहार में जहरीली शराब से मारे गए लोगों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान के जरिए जल्द ही मुआवजा दिया जाएगा। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने ऐसे 38 पीड़ित परिवारों को चयन कर लिया है। इन्हें मुख्यमंत्री राहत कोष के जरिए प्रति परिवार 4-4 लाख रूपये की राशि प्रदान की जाएगी और इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार करके अंतिम अनुमति के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया गया है। 1 से 2 दिन में इससे संबंधित आदेश जारी हो जाने की संभावना है। इसके बाद ये राशि संबंधित डीएम को भेज दी जाएगी, जहां से इनका वितरण संबंधित परिवार के बीच किया जाएगा। इन 38 परिवारों में 26 मोतिहारी जहरीली कांड और 12 नालंदा जहरीली कांड के पीड़ित परिवार हैं। ये दोनों शराब कांड 2022 में हुआ था। जानकारी के अनुसार संबंधित जिलों के डीएम के माध्यम से इन पीड़ित परिवारों का सर्वे करवाकर रिपोर्ट मांगी गई थी। जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ही परिवार का चयन कर मुआवजे की राशि वितरित की जा रही है। आपको यह भी बता दें कि इस साल अप्रैल में राज्य सरकार ने शराब से मौत पर अनुदान देने की घोषणा की थी।